आज मैं आपको उपवास के बारे में बताऊंगा, फास्टिंग के बारे में। उपवास, उपवास क्या होता है, उपवास कैसे रखा जाता है और उपवास वाकई है क्या। हम सिर्फ उपवास को समझते हैं कि हमने दो बार टाइम खाना नहीं खाया तो ये उपवास है, हमने 10 दिन खाना नहीं खाया उपवास है, हम सिर्फ पानी पे 10 दिन हैं ये उपवास है, हम सिर्फ इसी उपवास को जानते हैं। लेकिन बाइबल इस उपवास को नहीं समझती है, बाइबल नहीं कहती है, बाइबल बताती है कि उपवास में हमें करना क्या है, उपवास है क्या। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस वचन को शुरू करने से पहले बशाया, यशाया 58:3 हमारी बहन पढ़ेंगी, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि उपवास को समझना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जब आपने परमेश्वर में अपने आप को समर्पित किया, जब आप यीशु मसीह के चरणों में आए, जब आपने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया, मैं आपको बता दूं आपका उपवास उसी दिन से शुरू हो जाता है, उसी दिन से शुरू हो जाता है उपवास। हमारा वो जीवन जो मसीह में है वो उपवास का जीवन है। उपवास किससे? संसार की अभिलाषाओं से उपवास। उपवास किससे? आंखों की लालसाओं से उपवास, घमंड से उपवास, नफरत से उपवास, क्रोध से उपवास, व्यभिचार से उपवास। हमारा उपवास क्या है? कि हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर लेकर आए। परमेश्वर हमें कैसा उपवास चाहता है कि हम करें जिससे वह प्रसन्न होता है? क्योंकि शरीर के उपवास से अगर आप ये सोचते हैं कि हम बाकी काम करते जाएं और सिर्फ उपवास करेंगे और परमेश्वर प्रसन्न होगा, ये गलत है। उपवास अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हैं, अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं, तो वो उपवास चाहे आप 11 दिन रखें, चाहे आप 21 दिन रखें, चाहे आप 40 दिन रखें, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम रोटी नहीं खा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप उपवास किसके लिए रख रहे हैं? अपने शरीर के लिए। लेकिन वचन क्या कहता है? कि हमें उपवास रखना है अपनी आत्मा के लिए, हमें उपवास रखना है अपने स्वभाव को दीन बनाने के लिए, अपने अंदर प्रभु की नम्रता लाने के लिए। अगर ये उपवास रखेंगे तो ही हम आशीष पाएंगे, तो ही हम परमेश्वर का अभिषेक पाएंगे, तो ही हम परमेश्वर को जान पाएंगे। वो बहुत भला है, वो बताना चाहता है कि मैं क्या चाहता हूं। इसीलिए उसने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया, यीशु मसीह को धरती पर लेकर आया। उसने कुछ छुपाया नहीं, उसने बताया कि यीशु मसीह कौन है। यदि तुम यीशु मसीह को स्वीकार करोगे, यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, तो अनंत काल का जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर ने बताया कि पाप क्या है, शैतान क्या है, परमेश्वर कौन है, हमें किस तरीके से शैतान से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है, परमेश्वर ने बताया हमको। लेकिन हम पाप से दूर नहीं रह पा रहे हैं। आपको पता है, कभी आपने सोचा है जब परमेश्वर नाराज होता है आपसे तो क्या करता है? पता है आपको? कभी ध्यान से देखिए मेरी तरफ, जब परमेश्वर आपसे नाराज होता है तो क्या करता है? वो हवा चलाना तो बंद नहीं करता, सूरज की रोशनी बंद नहीं करता, आपको रोटी देता है, आपको खाना भी मिलता है, पेड़ों में फल वगैरह उगते हैं, वो चाहे तो बंद कर सकता है। लेकिन जब वो नाराज होता है तो वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो आपको हवा भी देता है, आपको रोशनी भी देता है, आपको खाना भी देता है, सब कुछ करता है। जब वो नाराज होता है, पता है वो क्या करता है?
वो आपके मन से अपने लिए प्रेम निकाल लेता है। जब वो नाराज होता है ना, तो जब अपना प्रेम आपके अंदर से निकाल लेता है ना, तो आपका चर्च में आने का मन नहीं करता। आप समझिए कि परमेश्वर आपसे नाराज है। अगर आपका चर्च में आने का मन नहीं कर रहा है तो परमेश्वर आपसे नाराज है। अगर आपका चर्च आने का मन कर रहा है, आप बेचैन हैं, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। यस, आप नहीं जानते उसका मकसद क्या है। वो आपको अपने स्वभाव में लाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे जाने। उसके लिए आपकी दौलत, आपका शरीर कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है। वो आपकी आत्मा को अहमियत देता है। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के संग व्यवहार करना जिनके अंदर दो आत्माएं होती हैं, एक पवित्र आत्मा और एक दूसरी। जब आप उस दूसरी आत्मा के प्रभाव में आकर उस पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं, तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अभी आप लोग कहेंगे कि मैं तो पवित्र हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, इसलिए तो पवित्र हूं। नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, पवित्र आत्मा क्यों आती है आपके अंदर? आपको पवित्र करने के लिए। आप पवित्र हैं इसलिए पवित्र आत्मा नहीं आती है। आप पवित्र नहीं थे इसलिए उसने अपनी आत्मा को भेजा ताकि आपको पवित्र रखे। आप समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, उसकी आत्मा आपके अंदर। आपको पता है, याद है दाऊद का भजन संहिता 51 का 10 और 11 निकालिए। दाऊद ने जब पाप किया था, देखिए वचन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। भजन संहिता साम 51:10-11, हे परमेश्वर, हाँ, मेरे अंदर एक मिनट। दाऊद ने जब पाप किया बैतशबा के साथ और उसके पति को मरवा दिया, क्या उससे पहले दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था? दाऊद ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं परमेश्वर से पूछ के लड़ी हैं। वो हर काम परमेश्वर से पूछ के करता था। उसका 3 बार अभिषेक हुआ है, दाऊद का 3 बार अभिषेक हुआ है। एक बार जब वो अपने पिता के घर में था चरवाहे के रूप में, 7 साल के बाद हेब्रोन में, और 7 साल के बाद फिर इज़राइल के राजाओं ने उसका अभिषेक किया। ये अलग एक है। तो 3 बार उसका अभिषेक किया, उसके अंदर पवित्र आत्मा थी। लेकिन जो दूसरी आत्मा थी उसने दाऊद को इतना प्रभावित कर दिया कि वो अपने पवित्र आत्मा को के अनुसार नहीं चला, उस दूसरी आत्मा के अनुसार चला। इसलिए वो अपने वचन में भी कहता, क्या करता है, पढ़िए बेटा, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हाँ, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से उत्पन्न कर, क्योंकि वो आत्मा जो पहले थी वो मेरे पाप करने से निकल गई है। और इसी 11वां पढ़िए, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, हाँ, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है कि उसने पाप किया, उसने भयंकर पाप किया है, किसी को मरवा दिया है अपने हवस के लिए, अपने व्यभिचार के लिए। तो दाऊद किस आत्मा की बात कर रहा है? जो परमेश्वर की आत्मा उससे अलग ना हो। लेकिन व्यभिचार किसने करवाया दाऊद से? उस अलग आत्मा ने।
इसलिए आपके अंदर दो आत्माएं। अब आप को यह देखना है कि मेरी जो आत्मा है गलत, जो दूसरी आत्मा है जो संसार से आती है, वो पवित्र आत्मा पर हावी ना हो। इसलिए आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। इसलिए वचन कहता है कि आपको वचन के अनुसार चलना है। इसलिए दाऊद कह रहा है कि मुझ में फिर से उस आत्मा को स्थिर कर दे जो अस्थिर हो गई है। मेरे पाप की वजह से वो जो आत्मा है अस्थिर हो गई है, अपनी जगह से हिल गई है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है जब आप उपवास में रहेंगे, जब आप उस उपवास को समझेंगे जो आपके जीवन में दीनता और नम्रता लेकर आएगा, तब आप उसके वचन को समझेंगे, तब आप उस आशीष को पाएंगे। इसलिए यशायाह नबी की किताब में 58:3 में लिखा हुआ है कि जो हम उपवास करते हैं तो उससे प्रसन्न तो होता नहीं है। पढ़िए बेटा 58:3 क्या कहता है। जल्दी पढ़िए। वे कहते हैं हाँ, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा हाँ, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली हाँ, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने उपवास रखा लेकिन तूने सुधि नहीं ली। क्यों नहीं सुधि ली? क्योंकि आपने शरीर के लिए उपवास रखा। हमने कष्ट उठाया। किस बात में कष्ट उठाया? ना खाने में। मैं आज नहीं खाऊंगा, आज मैं 10 दिन नहीं खाऊंगा, आज सुबह से मैं पानी पर रहूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप कष्ट उठा रहे हैं किसके लिए? शरीर के लिए। आप वचन पे नहीं चल रहे हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप वचन के अनुसार जीवन नहीं निभा रहे हैं। आप एक प्रथा के अनुसार अपने शरीर को रोटी से दूर कर रहे हैं ताकि मैं, अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं उपवास करना, लेकिन 5वां वचन क्या कहता है कि परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है? 58:5, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं हाँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? आमीन। यानी कि मनुष्य खुद को दीन करे। प्रेज द लॉर्ड। कैसा उपवास चाहिए परमेश्वर को? खुद को दीन करिए। दीनता के साथ आप परमेश्वर के साथ आइए। यानी कि आपके उपवास में, आपके जीवन में, आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने यह आह्वान होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। आमीन। अगर आपकी सर्विस, अगर आपका धंधा, अगर आपका पैसा आपके सिर पर आ गया है कि साहब मैं तो ये कमाता हूं या वो कमाता हूं, इसका मतलब आपके अंदर से दीनता निकल गई है। जिस दिन आपके अंदर से दीनता निकल जाएगी मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर को आपका जीवन स्वीकार्य नहीं होगा। परमेश्वर उसी के जीवन में काम करेगा जो दीन होगा, जो चाहेगा कि मुझे प्रभु मिले। आमीन। दूसरा कुरिन्थियन 12:9 क्या कहता है? पौलुस ने क्या कहा कि तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। आमीन। हेलो, मैं तो निर्बल हूं, मेरी निर्बलताओं में तेरा अनुग्रह काम करता है। मेरी निर्बलताओं में कौन काम करता है? मेरा अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपने परमेश्वर के अनुग्रह को समझ लिया, जिस दिन आपने यह जान लिया कि प्रभु का अनुग्रह हमें क्या देता है, जिस दिन आपने समझ लिया कि यीशु के बलिदान के द्वारा उसका अनुग्रह ही था जिसने हमें आशीष दिया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें अनंत काल का जीवन दिया, नहीं तो हम इस योग्य नहीं है कि हम उस स्वर्गीय उत्तराधिकार को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर का है। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है।
लेकिन वो कब है? जब आप निर्बल होकर उसके सामने जाते हैं, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं। हालेलुया। 12 का 9 क्या कहता है? और उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। उसकी सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, सिद्ध होती है। हालेलुया। मरियम के बारे में आपने सुना है, जिसने यीशु को जन्म दिया, वो मरियम जिसने अपने आप को निछावर दे दिया। जब जिब्राइल दूत ने कहा कि परमेश्वर तेरी कोख से एक पुत्र को जन्म देना चाहता है, लूका 1:38 में क्या कहता है? ये वो प्रभु के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा मैं कैसे कर सकती हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कैसे कर सकती हूं? मेरे अंदर तो सामर्थ नहीं है। जिस दिन आप के अंदर यह एहसास होगा कि मेरे जीवन का काम मैं कैसे कर सकता हूं, मरियम ने कहा कि मैं कैसे कर सकती हूं, परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा का सामर्थ तुझ पर उतरेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन हमारे अंदर यह भावना आएगी, जिस दिन हमारे अंदर यह एहसास होगा कि मैं कैसे करूं, क्या मैं बोल सकता हूं? आज 1-1.5 घंटा खड़े होकर यहां बोलना, आप क्या समझते हैं मेरा काम है? क्या मैं याद करके बोलता हूं? कौन बोलता है मेरे अंदर? पवित्र आत्मा। क्या चंगाइयां होती हैं मैं करता हूं? कौन करता है? लेकिन वो कब करेगा? जब आप उसका बर्तन बन जाएंगे, जब आप कहेंगे कि मैं खाली बर्तन हूं, मुझे यूज करो प्रभु, अपनी महिमा के लिए मुझे यूज करो, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी बुद्धि कुछ नहीं है, मुझे यूज करो, तब परमेश्वर यूज करेगा, तब परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा, तब आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है और वो आपको लेके चल रहा है। जब आप निछावर कर देंगे कि यस, ना मुझे रास्ता पता है, ना मेरे पैरों में ताकत है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम है यीशु। आमीन। यह एहसास होना बहुत जरूरी है। मरियम ने जब यीशु मसीह को जन्म दिया, आपने बाइबल पढ़ी है, आप जानते हैं इस कहानी को। जब से उसने यीशु को जन्म दिया और अंत तक, क्रूस तक, मरियम उपवास में थी, मरियम फास्टिंग में थी, उसने एक पल भी संसार के अनुसार जिंदगी नहीं जी, एक पल भी। जैसे वो प्रेग्नेंट हुई, उसने यीशु मसीह को चरनी में जन्म दिया। क्या आप अपने बच्चे को चरनी में जन्म देना चाहेंगे? कोई मां नहीं चाहेगी कि मैं अपने बच्चे को चरनी में जन्म दूं, लेकिन उसने अपने बच्चे को चरनी में जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप दीन होते हैं, जब आप नम्र होते हैं ना, तब आप उसकी हर योजना को स्वीकारते हैं। जब आप दीन होते हैं, नम्र होते हैं, आप उसके हर काम को स्वीकारते हैं और धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज तूने मुझे कैसे भी रखा है, धन्यवाद। आज तूने मुझे आधी रोटी दी है, मैं धन्यवाद देता हूं। कल तूने मुझे 1 डजन रोटी दी थी चिकन के संग, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम दीनता और नम्रता के संग जिंदगी जी रही थी,
परमेश्वर ने ऐसी सिचुएशन पैदा की क्योंकि उसका वचन था, उसका वचन कहा था यशाया नबी के द्वारा उसने भविष्यवाणी की थी कि कैसे यीशु मसीह का जन्म होगा, और भविष्यवाणी के अनुसार उसने चरनी में यीशु को जन्म दिया और मरियम ने उसको स्वीकार किया। यह है दीनता, यह है उपवास, क्योंकि मरियम उपवास में थी। जब पूर्व दिशा से जोशी आए और जोशियों ने आकर उसके सामने सोना, गंधक, लोबान, तभी भी उसके अंदर मान सम्मान नहीं आया, घमंड नहीं आया कि देखो मेरे पास सोना आ गया है। आमीन। मेरे प्रभु, जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं ना, आपको सोच नहीं सकते कि आपको कहां से आशीष मिलेगी, कौन आपको आशीष देगा, किसके मन को परमेश्वर बेधेगा, किसके मन को परमेश्वर उभारेगा और किसके द्वारा परमेश्वर आपके घर में रोटी भेजेगा, आप नहीं जानते। हमको दीनता और नम्रता के संग उस उपवास में रहना है और परमेश्वर के द्वारा हर योजना को स्वीकार करना है। जब उसे सोना मिले तो भी उसको अभिमान नहीं हुआ, क्योंकि उसी दो दिन के बाद परमेश्वर ने कहा तू मिस्र चला जा, वहां जाकर वहां तब तक रहो जब तक हेरोदस यहां पर राजा है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उपवास में होते हैं तब आप परमेश्वर की योजनाओं को समझते हैं। यह है सच्चा उपवास। हम रोटी तो नहीं खाते हैं, आपको पता है, आप शरीर के लिए रोटी की आस में रहते हैं। सच्चा उपवास क्या है पता आपको? आप अगर उपवास में और कोई आपको खाने के लिए बिस्किट दे, नहीं 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 यार मेरा उपवास है यार, क्या बात कर रहे हैं, अरे भैया बहुत सी मिठाई है यार, नहीं 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 कुछ भी है यार, मेरा उपवास है, मना करते कि नहीं करते? मना करते कि नहीं करते हैं कि नहीं 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 यार, नहीं अभी नहीं यार, शाम के बाद, अभी नहीं, मैं उपवास में। आमीन। यही हमें मसीह जीवन में करना है। हमारा मसीह जीवन पूरा उपवास का जीवन है। इसलिए कहीं भी कोई गलत आजमाइश हमारे जीवन में आती है, कभी कोई गलत आशा हमारे जीवन में आती है, हमें उसी समय बोलना, नहीं भाई नहीं, मैं मसीह हूँ, मैं उपवास में हूँ, नहीं 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 भैया ये बात नहीं, ये मुझे विचार नहीं चाहिए, ये व्यभिचार की आत्मा नहीं चाहिए, ये मुझे गलत विचार नहीं चाहिए, ये क्रोध नहीं चाहिए, ये नफरत नहीं चाहिए, ये घृणा नहीं चाहिए, मैं उपवास में हूं क्योंकि मैं मसीह हूं। हालेलुया। क्योंकि आप मसीह में, आप उपवास में, आप जब सुबह उठते हैं, जब शरीर का उपवास करते हैं, जब सुबह उठते आप अपने आप को प्रार्थना करके वाचा बांधते हैं कि मैं आज अच्छी तरीके से उपवास निभा सकूं। वाचा बांधते कि नहीं बांधते? क्या मैं शाम को खाना खाऊंगा, अपने आप को बना लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरीके से हमें उस उपवास को स्वीकार करना है और अपने अंदर बना के रखना है कि मैं उपवास में हूं। आपका जीवन उपवास में है, बोलिए मेरा जीवन, जोर से बोलिए मेरा जीवन उपवास में है, मैं मसीह हूं और मैं उपवास में हूं। याद रखिए आप उपवास में हैं। आपको संसार की कोई भी चीज नहीं लेनी है। अगर आप संसार की कोई भी चीज लेंगे तो आपका उपवास टूट जाएगा। हेलो। आदमी उपवास तोड़ने से, आज मैंने 21 दिन का उपवास रखा है, आप नहीं चाहेंगे कि यार 11 दिन का, नहीं नहीं यार 21 दिन रखेंगे, 21 दिन हमने माना है, वाचा बांधी है, 21 दिन का उपवास रखेंगे, 21 दिन मैं शाम को ही खाना खाऊंगी, 21 दिन मैं दूध नहीं पीऊंगी, 21 दिन मैं ये नहीं करूंगी, 21 दिन मैं ये नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें इसी तरीके से अपने जीवन में उस वाचा के अनुसार चलना है, क्योंकि हम जब मसीह हैं तो हम उपवास में हैं। बोलिए हम मसीह हैं, जोर से बोलिए हम मसीह हैं, हम मसीह हैं और हम उपवास में हैं।
ये कभी मत भूलिए। इसे संसार की तरफ से कोई भी इच्छा आए, संसार की तरफ से कोई भी भावना आए, संसार की तरफ से कोई भी अभिलाषाएं आए, हमें उसको अपने अंदर नहीं लेना है, क्योंकि हम उपवास में हैं। हेलो, मरियम ने नहीं लिया, मरियम ने नहीं लिया क्योंकि वो उपवास में थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो उपवास में थी, यस, क्योंकि वो उपवास में थी इसलिए उसे बुरा नहीं लगा। जब काना की शादी में यीशु मसीह ने उसे नारी कहा, उसे बुरा नहीं लगा। बुरा लग सकता था, अरे मैं इसकी मां हूं, 9 महीने में इसको पेट में जन्म दिया है, इतना तकलीफ कहां कहां भागी हूं इसको जन्म देने के लिए, और आज ये सबके सामने मुझे नारी बोल रहा है। वो रूठ सकती थी, उसके पास कारण था, बुरा मानने का कारण था उसके पास कि अरे मैं तेरी मां हूं, मैं तुझे जन्म दिया है, आज तू अपने चेलों के सामने मुझे मां नहीं बुला सकता। लेकिन उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि वो उपवास में थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये परमेश्वर है, ये जो भी करता है सही करता है। आज इसने अगर मुझे नारी कहा है तो इसका भी जरूर कोई मतलब होगा। आमीन। बहुत से लोग समझते हैं कि काना की देश में, काना की शादी में मरियम ने यीशु मसीह को आदेश दिया कि पानी को दाखरस में बदलो। नहीं, मैंने आपको पहले भी प्रचार किया है, यीशु मसीह को मरियम ने एक इंफॉर्मेशन दी कि दाखरस खत्म हो गया है और कुछ नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उपवास में होते हैं ना और आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर प्रार्थना करने में, सुनने में देर लगाता है, तो आप बुरा नहीं मानेंगे, आप दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पिता ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और वो अपने समय पर उसको पूरा करेगा। अगर आप बुरा मानते हैं तो आप उपवास में नहीं हैं। अगर आप बुरा मानते हैं तो आप उपवास में नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि उपवास हमें उस शांति को बनाकर रखता है। देखिए, शांति क्यों देकर गया यीशु मसीह? योहन्ना 14:27 में यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, संसार की नहीं, अपनी शांति। क्यों वो देकर गया है? हालेलुया। देखिए रोमियो 8:6 निकालिए, रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाएंगे। अगर आपने शरीर पर मन लगाया तो आप यीशु मसीह की शांति को अपने अंदर नहीं रख पाएंगे। यीशु मसीह की शांति क्या है? कोई भी विपत्ति हो, कोई भी परीक्षाएं हो, कुछ भी आपके जीवन में भटक रहा हो, जिसे आप शांति के संग उसका निवारण करें। अगर यीशु की शांति आपके पास है तो किसी भी विपत्ति, किसी भी परीक्षाओं में आप विचलित नहीं होंगे, आप शांति के साथ उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपके पास यीशु की शांति है, यीशु की धार्मिकता है, आपका विश्वास है कि यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हुआ, आपका विश्वास है कि उसकी आत्मा मेरे साथ है, वो हे अब्बा हे पिता कहने वाली आत्मा मेरे अंदर है, आपको पता है, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है जिसने संसार की सृष्टि की है, इसलिए आपकी शांति बनी रहनी चाहिए क्योंकि वो आत्मा आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ प्रभु है। जिस दिन हमारा विश्वास मुकम्मल और चट्टान की तरह मजबूत होगा कि मेरे संग प्रभु है, उस दिन आपकी शांति कहीं नहीं जाएगी।
Amen. आपकी शांति कब जाएगी? जब आपको शक होगा कि प्रभु है कि नहीं है, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा कि नहीं सुनेगा, परमेश्वर मौके पर आपका साथ देगा कि नहीं देगा, देगा। शद्रक मेशक अबेदनगो की शांति बनी रही थी। नबूकदनेस्सर ने कहा किस मूर्ति को दंडवत कर, नहीं तो इस आग में तुझे झोंक दूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा राजा हमें तुझे बताने में कोई भी, हम तुझे बता रहे हैं कि तू हमें उस आग में बोझे डालेगा, परमेश्वर मेरा यहोवा मुझे बचाएगा, और वो अगर मुझे नहीं भी बचाएगा तब भी मेरा परमेश्वर है। नबूकदनेस्सर ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस आग की अग्नि को, इस भड़कते हुए जो आपका कुआं है आग का, उसको 7 गुना बढ़ा दो। 7 गुना बढ़ा दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने उनको जहां पर आग में डालने वाले थे उसकी ज्वाला की अग्नि 7 गुना बढ़ गई, लेकिन उनकी शांति बनी रही। आपके जीवन में बहुत से भौचाल आएंगे, कई कानून बनेंगे कि इनको हटाओ, इनको खत्म करो, लेकिन हर कानून से बड़ा मेरा यीशु मसीह है। वो बचाने की क्षमता रखता है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने आग की भट्टी को नहीं देखा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर की शांति को देखा। प्रेज द लॉर्ड। शद्रक मेशक अबेदनगो की शांति थी जो उन्हें आग की भट्टी की तरफ ले गई, और जब वो भट्टी की तरफ जा रहे थे तो परमेश्वर की महिमा गा रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर हमें बचा, वो धन्यवाद दे रहे थे कि तू मेरा साथ है। हालेलुया। सैनिकों ने उनके हाथ बांधे, पैर बांधे, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उनका मुंह बांधना बंद कर भूल गए वो, और वो उस मुंह से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। आप परीक्षाओं में, विपत्तियों में परमेश्वर की शांति को कैसे अपने अंदर बना के रखेंगे? जब आप विपत्तियों और परीक्षाओं में उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। जितनी विपत्तियां बढ़ेंगी आपकी आराधना बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। जब आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा परमेश्वर के लिए बढ़ती जाएगी, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, कितनी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में काम करेगी और परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ होगा। क्या किया शद्रक मेशक अबेदनगो ने? उसकी महिमा की। और बाइबल कहती है वो 7 गुना बड़ी हुई भट्टी, जब वो सैनिक शद्रक मेशक अबेदनगो को लेकर जा रहे थे, उस आग से वो भस्म हो गए, लेकिन जब इन्हें उस आग की भट्टी में डाला गया तो इनका बाल भी बाका नहीं हुआ। वो शांति आपको चाहिए, वो शांति यीशु हमको देकर गया है। वो शांति हमें देकर गया यीशु मसीह। हमें उस शांति के संग अपने जीवन को बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कुलोसियन 3:15-17 के बीच में निकालिए, कुलोसियो 3:15-17 के बीच में यीशु की शांति हमें जीवन देती है। पढ़िए बेटा, कुलोसियो 3:15, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। तुम किसके लिए? 15 दोबारा लाओ। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। आप किसके लिए बुलाए गए हैं? मसीह की शांति आपके अंदर बनी रहे, आप इसलिए चुने गए हैं। हेलो, आपको एक देह क्यों बनाया है? कलीसिया में आकर आपको एक देह क्यों बनाया है? ताकि मसीह की शांति आपके अंदर काम करे और आप राज्य करें।
प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। जब परमेश्वर की शांति, जब यीशु की शांति आपके अंदर बनी रहती है तो हर पल आपका धन्यवाद के संग गुजरता है। आमीन। संदेह के साथ नहीं गुजरता है, धन्यवाद के संग गुजरता है, क्योंकि मसीह की शांति मेरे अंदर बनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। वो इतना प्रभु, इतना प्यार करता है आपसे, ताकि उसने आपको चुना ही इसके लिए है ताकि मसीह की शांति आप में बनी रहे, प्रभु की शांति आप में बनी रहे, और आप हर स्थिति में उस शांति के साथ अपने जीवन को निभाएं। 16वां, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ, जब उसकी शांति आपके साथ होगी तो वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हेलो, खोल दो अपना हृदय, परमेश्वर के वचन को बसने दो। ये 3 दिन का शिविर किसके लिए है? ताकि परमेश्वर का वचन आपके दिल में बस जाए। अधिकाई से बसने दो। वो कब बसेगा परमेश्वर का वचन आपके दिल में? जब आप संसार से दूर होंगे, जब आप प्रभु में आकर अपना दिल खोलेंगे, तो प्रभु की अधिकाई से प्रभु का वचन आपके जीवन में बसेगा। हालेलुया। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। आमीन। तब आप, जब परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर अधिकाई से बसेगा, तब आपके ऊपर आपको सिद्ध ज्ञान होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, परमेश्वर ज्ञान ही, परमेश्वर का ज्ञान ही हमें सिद्ध करता है। और वो क्या कहता है कि जब सिद्ध ज्ञान आपके अंदर आए तो दूसरों को बताओ, दूसरों को चिताओ। ये हमारा काम है इस अंतिम समय में, इसलिए बहुत जरूरी है कि उसके वचन अधिकाई से मेरे हृदय में बस जाएं, हमारे हृदय में बस जाएं। ये जरूरी है, तभी हम उसकी सिद्ध इच्छा को समझ पाएंगे और जान पाएंगे, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। 17वां, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। हाँ। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। हालेलुया। ये है सच्चा उपवास, यह है आपकी शांति जो परमेश्वर की कृपा से, आपके अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह से आपके अंदर बनी रहेगी। इसलिए उस उपवास को जानो, उस उपवास के अंदर रहो। वो उपवास जो परमेश्वर ने आपको दिया है एक मसीह के रूप में, संकट तो आएंगे, विपत्ति आएंगी, हमें डरना नहीं है। हमारे अंदर उसकी आत्मा इसीलिए नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहें। सबसे जरूरी है कि उसकी शांति हमारे अंदर बनी रहे, सबसे जरूरी है कि अधिकाई से उसके वचन हमारे अंदर बने रहें, और हम उन वचनों के द्वारा संसार में जाकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस करें। इसलिए सच्चा उपवास यही है। जाने आप लोग उपवास का मतलब? Yes. लेकिन शरीर का उपवास भी आप रख सकते हैं, लेकिन असली उपवास यही है कि हम मसीह में अपने जीवन को बना के रखें। कितनों ने वचन को ग्रहण किया? हालेलुया। कितनों को आशीष मिला? हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष बना रहे परमेश्वर। मेरे भाई मेरे बहनों के लिए आशीष मांगता हूँ परमेश्वर, और उनके जीवन में आपकी शांति, आपकी उपस्थिति का आशीष बना रहे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपके ज्ञान को जान सकें और उपवास में अपने जीवन को बिताएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी को भूल किए मैंने 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 जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह की यीशु मसीह की यीशु मसीह की प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है हालेलुया।